हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज वर्ड एक्सप्रेस। सर्कल कमांड यूज़ करने के लिए ड्रा टूल बार के अंदर सर्कल दिए हुए हैं। टोटल 6 तरह के सर्कल होते हैं, वन बाय वन हम सीखेंगे। सबसे पहला होता है सेंटर और रेडियस। जब हमें सेंटर पॉइंट पता हो और रेडियस पता हो, मान लीजिए हम यहाँ पर सर्कल सेलेक्ट कर देते हैं, तो सेंटर पॉइंट ऑफ द सर्कल कहीं पर भी क्लिक कर देते हैं और गिवन रेडियस मान लीजिए 5 रेडियस टाइप करके एंटर प्रेस कर देना है, तो ये एक सर्कल बन गया है जो कि रेडियस और सेंटर पॉइंट पर डिपेंड है। सेकेंड टाइप है सर्कल एंड डायमीटर। सबसे पहले सेंटर पॉइंट ऑफ द सर्कल सेलेक्ट करेंगे, फिर उसके पश्चात डायमीटर ऑफ द सर्कल। मान लीजिए मैं 10 डायमीटर दे देता हूँ, 10 लिख के, तो ये एक सर्कल है 10 डायमीटर जिसका डायमीटर है। थर्ड टाइप का सर्कल है टू पॉइंट सर्कल। जब हमें दो बिंदु पता होते हैं किसी भी सर्कल के, तो वहाँ पर हम टू पॉइंट सर्कल यूज़ करते हैं। जैसे मान लीजिए इन लाइन के दो बिंदुओं से होता हुआ एक सर्कल खींचना, सबसे पहले पहला पॉइंट सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद दूसरा पॉइंट सेलेक्ट करें। इस तरह दो बिंदु से जाता हुआ एक सर्कल बन गया। इसके बाद है थ्री पॉइंट। जब हमें तीन बिंदु पता हो या एक ऐसा सर्कल खींचना है जो तीन बिंदुओं से होकर जाता हुआ हो, तो उसके लिए मान लीजिए इस लाइन की ये तीन पॉइंट्स एंड पॉइंट्स हैं, इन तीनों पॉइंट से जाता हुआ एक सर्कल खींचना है, तो हम लाइन के पहले पॉइंट्स को, फिर दूसरे पॉइंट को, फिर तीसरे पॉइंट को सेलेक्ट करेंगे। इस तरह तीन बिंदुओं से जाता हुआ सर्कल हम बनाते हैं। इसके बाद पाँचवा नंबर है टेंजेंट टेंजेंट रेडियस। मतलब टेंजेंट टेंजेंट और रेडियस, जब हमें किसी रेडियस का एक सर्कल बनाना हो और किसी भी दो सर्कल को टच करता हुआ बनाना हो, मान लीजिए हम इस सर्कल और ये सर्कल को टच, देखिए आप टेंजेंट का साइन इसमें दिखा रहा है, सेलेक्ट कर दिए। उसके बाद रेडियस टाइप करना, मान लीजिए रेडियस हमारी 20 है, तो 20 हम टाइप करके एंटर प्रेस कर देते हैं। ये 20 रेडियस का सर्कल बन गया है जो इसको और इसको दोनों को टच करता हुआ जा रहा है। इस तरह से हमारा ये लास्ट एंड फाइनल टाइप ऑफ सर्कल है टेंजेंट टेंजेंट टेंजेंट। मतलब हमें एक ऐसा सर्कल बनाने को बोल रहा है, या कभी ऐसी ज़रूरत पड़े जिस जो कि तीन सर्कल को टच करता हुआ जाए, तब हम इस कमांड का उपयोग करते हैं। तो हमें पहले कमांड सेलेक्ट करना है, उसके बाद तीनों सर्कल वन बाय वन सेलेक्ट करना, सेकंड एंड थर्ड। तो एक ऐसा सर्कल बन गया जो तीनों सर्कल को टच करता हुआ जा रहा है। इसी तरह हम मान लीजिए यहाँ सेलेक्ट कर देते हैं, यहाँ सेलेक्ट कर देते हैं और यहाँ, ये देखिए आप इन तीनों सर्कल को टच करता हुआ एक कॉमन सर्कल बन जाता है। इस तरह से हम ये सर्कल कमांड यूज़ करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कोई डाउट हो कमेंट ज़रूर करें।